डिटेल, कंपनी का ROI क्या है क्या नहीं है, देन IPO GMP, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है अभी, देन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग इसका स्ट्रेंथ क्या है मतलब प्रो क्या है, उसके बाद इसका रिस्क फैक्टर क्या है मतलब कॉन्स क्या है, एंड देन इसका फ्यूचर क्या ये फ्यूचर में वर्क करेगा, एंड फाइनली Should we buy this or not? तो भाई ये था कंपनी डिटेल, अभी चलो रिस्क फैक्टर एंड इसका स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसका स्ट्रेंथ क्या है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस खुद को एक टॉप HFC के रूप में कन्वर्ट किया है पिछले कुछ सालों में, इसके लिए बहुत ही ज्यादा लोग इनके तरफ अट्रैक्ट हैं ऑलरेडी। जो है रिपो रेट बढ़ जाती है तो उस केस में जो है इनका बिजनेस थोड़ा सा डाउन हो सकता है, क्योंकि इनके पास बहुत ही ज्यादा डेट है कंपनी के ऊपर, बहुत ही भारी कर्जा है, ठीक है। सो इन्फ्लुएंसर छोटा हो या बड़ा, छोटी हो या बड़ी, हर किसी के मुंह में बजाज हाउसिंग फाइनेंस IPO के बाद, एंड सभी बढ़ चढ़ के इसके बारे में बता रहे हैं और लेने के लिए आपको इनकरेज भी कर रहे हैं। सो इस वाले वीडियो में हम इसको पूरा का पूरा एक्सपोज करेंगे कि एक्चुअल में बजाज हाउसिंग फाइनेंस IPO लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो बेसिकली स्टेप वाइज आपको बता दूंगा कि एक्चुअल में ये क्या है, IPO अच्छा है बुरा है, तो वो सारा कुछ चलिए मैं आपको बताता हूं। तो स्टेप वाइज सबसे पहले हम देखेंगे IPO डिटेल, कंपनी का ROI क्या है क्या नहीं है, देन IPO GMP, देन कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है अभी, एंड प्रीवियसली ये किस तरीके से वर्क करता आ रहा है, क्या बड़ा है क्या नहीं बड़ा है, क्या घटा है क्या नहीं घटा है, देन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग इसका स्ट्रेंथ क्या है मतलब प्रो क्या है, उसके बाद इसका रिस्क फैक्टर क्या है मतलब कॉन्स क्या है, एंड देन इसका फ्यूचर क्या ये फ्यूचर में वर्क करेगा, एंड फाइनली Should we buy this or not? So, चलो इस 6 के 6 पॉइंट को मैं आपको डिटेल में बारीकी से समझाता हूं। अगर आपने इस वाले IPO के ऊपर डिटेल ऑलरेडी देख लिए हैं तो इस वाले वीडियो को देख लो, एकदम आपके माइंड क्लियर हो जाएगा, अगर आपका माइंड क्लियर नहीं हुआ है तो। एंड अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो इस वाले वीडियो को देखने के बाद आपको IPO के बारे में और मतलब जानने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि डिटेल में पूरा बात करने वाला हूं। तो चलो देखते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, देखो कोई क्वेरीज होना सीधा इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, 1-to-1 जवाब दे दूंगा। एंड अगर आप इस तरीके का न्यूज के साथ साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो या फिर कुछ मतलब शेयर मार्केट में कुछ ऐसा खलबली न्यूज के बारे में भी जानना चाहते हो तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड एक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लो। डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना बिल्कुल सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में मैंने शैमको ऐप स्टॉक का लिंक दे दिया है, किसी में भी साइन अप करो। साइन अप करने के बाद अपना जो जर्नी है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको साइन अप नहीं आता, एंड स्क्रीन पे भी वीडियो लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट जंप इनटू द वीडियो। तो पॉइंट नंबर 1, IPO डिटेल। यहाँ पे आप मेरे बाएं साइड पे मेरे फोन का स्क्रीन देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है बजाज हाउसिंग फाइनेंस IPO के बारे में। यहाँ पे आपको डिटेल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे टोटल IPO जो साइज है ना वो है 6,560 करोड़ का, मतलब बड़ा IPO है, ठीक है। तो कंपनी का साइज भी बड़ा है एंड साथ साथ IPO का साइज भी उसी हिसाब से बड़ा होना चाहिए। 6,560 करोड़ में से जो है यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेश इशू जो है 3,560 करोड़ का फ्रेश इशू है, एंड ऑफर फॉर सेल जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब जो है अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो एज ए रिटेलर तो आप यहाँ पे 300 करोड़ के लिए कम्पीट करोगे। देखो पिछले कुछ महीनों से जितने सारे IPO आ रहे हैं ना वो इतना ज्यादा, मतलब कुछ महीनों से नहीं 2-3 सालों से इतना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड हो रहा है हर एक IPO, ठीक है। लेकिन ये वाला IPO तो बहुत ही ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होने वाला है क्योंकि बहुत ही ज्यादा हाइप है इसके ऊपर, ठीक है। ये आपको लिस्टिंग गेन देगा कि नहीं देगा वो तो बात की बात है, लेकिन लोग यहाँ पे इतना ज्यादा हाइप बना रहे हैं इसके ऊपर क्या ही बताऊं, ठीक। तो यहाँ आप देख सकते हो शेयर होल्डर प्री इशू बल्कि यहाँ पे एक जो है ऑप्शन है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको क्या बोल रहा है कि अगर आप पहले से ही बजाज का किसी भी शेयर को होल्ड कर रहे हो, मतलब 30 अगस्त से पहले आपके अकाउंट में एक भी शेयर है तभी आप यहाँ पे आपको प्रेफरेंसेस ज्यादा मिलेगा, ठीक है। बोले तो बजाज ग्रुप का पहले से ही 2 जो है कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है NSE BSE के साथ, तो अगर उनमें से किसी भी एक कंपनी में आपका एक शेयर है एंड वो 30 अगस्त से पहले का है तो आप यहाँ पे चले जाओगे एक स्पेशल कैटेगरी में, ठीक है। तो आपको मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई भी शेयर नहीं है ना तो आप उसके लिए मतलब मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करना डीमैट अकाउंट से। तो इसके लिए अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप किसी में भी साइन अप कर लो एंड अप्लाई करो, ठीक है। तो नीचे जाने के बाद मैं आपको डिटेल दिखाता हूं। यहां पे देखो यहां पे डेट वगैरह हम सब देखेंगे। IPO जो है मंडे को, मतलब आज रात को ये वीडियो देख रहे हो या फिर कल सुबह हो सकता है, तो मंडे को मतलब 9 सितंबर को ये IPO ओपन हो रहा है। 11 सितंबर तक मतलब बुधवार तक ये चलेगा एंड शाम के 5 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो बुधवार के, एंड 12 तारीख मतलब जो है गुरुवार को आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा एंड आपको फ्राइडे को मतलब रिफंड इनिशिएट हो जाएगा कि मतलब जो भी अप्लाई करता है उन सभी को मिलता नहीं है ना, हो सकता है मतलब 20-30 गुना लोग ज्यादा मतलब यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो सभी को थोड़ी ना मिलेगा। तो इसके लिए 13 सितंबर को आपको रिफंड मिल जाएगा, अगर आपको नहीं मिला तो 13 सितंबर को आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा आपके डीमैट अकाउंट में एंड लिस्टिंग आपके 16
सितंबर मतलब नेक्स्ट मंडे आपको जो है लिस्टिंग हो जाएगा। उसके बाद कोई भी मंडे से खरीद सकता है इसको, ठीक है। उसके बाद देखो 11 तारीख के 5 बजे तक आप इसको खरीद सकते हो। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद अगर आप रिटेलर हो आपको एक लॉट ही अप्लाई करना है। उसके लिए 214 शेयर आपको लेना है एंड उसके लिए आपको 14,980 रुपए खर्च करना पड़ेगा। बाय द वे मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, वो बताई इसका प्राइस बैंड। देखो इसका प्राइस बैंड जो है 66 रुपीज से 70 रुपीज, मतलब आप बिड लगाना है 70 रुपीज करके और 10 रुपए एक एक का फेस वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ अभी हम नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद आपको और भी दिखा देता हूं। तो हम जो है रिटेलर है तो रिटेलर के लिए देखेंगे, एक लॉट के लिए आपको 14,980 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अगर 13 लॉट अप्लाई करते हो तो 1,94,740 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और यहाँ का नीचे का देखने का कोई मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि हम यहाँ नीचे अप्लाई नहीं करने वाले। सो ये था भाई आईपीओ डिटेल। अब हम इसका जीएमपी चेक करेंगे, ठीक है। तो अभी जीएमपी क्या है वो हम दिखा देते हैं आपको। देखो सबसे पहले जो है ये वाला जीएमपी भाई ओपन कितने में हुआ था वो आप देख लो। सबसे पहले ये बहुत नीचे से ओपन हुआ, ये ओपन हुआ 24 तारीख को, देख सकते हो 23 तारीख को 42 रुपए, फिर 39 रुपए, फिर 39 रुपए, 39 रुपए, उसके बाद 41 रुपए हुआ 27 तारीख को, 27 अगस्त की बात कर रहा हूँ, 28 तारीख को 41, फिर 40 डाउन हुआ, फिर 55, उसके बाद 31 को मतलब 31 को 60 रुपीज तक चला गया था, ठीक है। फिर थोड़ा सा डाउन हुआ 54 हुआ, फिर 55.5 हुआ, फिर 45, फिर 50, फिर 53, ठीक है 53, उसके बाद आपका देखोगे 51 6 तारीख को, 52 7 तारीख को एंड 8 तारीख को, मतलब 8 तारीख को ये वीडियो जो है शूट हो रहा है। आज के डेट में अगर आप देखोगे तो अभी 55 चल रहा है। तो अगर 55 के हिसाब से भी यहाँ पे लिस्टिंग होता है तो आप 70 में बिड लगाओगे और आपको 125 में मिलेगा, मतलब ऑलमोस्ट 80% आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है। देखो 80% तो आपको लिस्टिंग गेन नहीं मिलने वाला है आपको। अगर 80% यहाँ पे शो कर रहा है एंड इसी भी ज्यादा बढ़ेगा ना, फिर भी आपको हाईएस्ट से हाईएस्ट 70% का ही लिस्टिंग गेन मिल सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 80% अभी शो कर रहा है तो 80% आपको मिलने नहीं वाला है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा कंपनी डिटेल देख लेते हैं कि कंपनी का फाइनेंस क्या कहता है। देख सकते हो यहाँ पे पीरियड वाइज दिया गया है 31 मार्च 2022, 2023, 2024 एंड जून 2024 यहाँ पे दिया गया है। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे 3 साल का लगातार दिया गया है। तो अगर आप एसेट की बात करो तो देखो एसेट जो है 48,500 से बढ़ के हुआ, मतलब ये सारे के सारे करोड़ में बात कर रहा हूँ, ठीक है। 48,500 से 64 ईयर 2023 में 64,654 करोड़ हो गया। उसके बाद वहां से 2024 31 मार्च तक ये जाके पहुंचा 81,827 करोड़ में एंड वहां से अभी तीन मतलब एक क्वार्टर जाने के बाद 3 महीने बाद 30 जून 2024 को ये 88 करोड़ 338 रुपीस पे पहुंच चुका है। अगर रेवेन्यू की बात करूं तो देखो रेवेन्यू यहां पे बढ़ता हुआ 3,700 करोड़ से यहां पे 5,665, 7,617 एंड वहां से 3 महीने में खाली 2,208 करोड़ में पहुंच गया है। अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो सबसे पहले 2022 में देख सकते हो 709 करोड़, फिर 1,257 करोड़ और फिर 1,700 करोड़ एंड वहां से 3 महीना बाद 482 करोड़ 3 महीने में बना चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो बहुत ही तेजी से रैपिडली ग्रो कर रहा है, ठीक है। एंड नेटवर्थ देखोगे तो 2022 में आप देखोगे 6,741, उसके बाद 10,500, 12,233 एंड वहां से 14,719 करोड़ तक पहुंच चुका है। अगर हम सरप्लस या फिर रिजर्व की बात करें तो रिजर्व बहुत ज्यादा है, यहाँ पे देखो 1,858 करोड़, 3,791, 5,500 करोड़, 4,252 करोड़, थोड़ा सा यहाँ पे घटा हुआ है 3 महीने में, ठीक है। हम बोरोइंग देखेंगे तो बोरोइंग यहाँ पे ज्यादा है 41,000 करोड़, 53,000 करोड़ एंड यहाँ पे 70,000 करोड़ और यहाँ पे 73,300 करोड़ तक पहुंच गया है। डेट टू इक्विटी भाई डेट बहुत ज्यादा है कंपनी पे। तो यहाँ पे क्योंकि ये एनबीएफसी है तो यहाँ पे इनका जो काम है ना लोन बहुत ही ज्यादा ले लेते हैं, ठीक है। वही लोन को ये आके दोबारा लोन लोगों को मतलब देते हैं। इनका काम क्या है, कमीशन खाना, ठीक है। एक तरह से आप दलाल कह सकते हो इनको, मतलब ये दूसरे से मतलब बैंक से लोन लाएंगे, बैंक से लोन लाके आपको दे देंगे, बैंक से कम पैसे में लाएंगे और आपको ज्यादा पैसे में दे देंगे। और इनका जो लोन है ना भाई अबाउट 60-70% पर एनम के हिसाब से लेते हैं ये इंटरेस्ट, मतलब आप पागल हो जाओगे, ठीक है। 100% के करीब करीब लेते हैं क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस खुद का है, ठीक है। बजाज फिनसर्व के साथ है एंड साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जिनके साथ मेरा ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, मैं ले चुका हूं, मैं देख चुका हूं, ठीक है। इनका जो रहता है ना अबाउट 50% तो रहता ही है, ठीक है। तो ये ह्यूज अमाउंट लेते हैं इंटरेस्ट रेट में। तो ये लाते हैं रिपो रेट, अगर यहां पे देखो रिपो रेट जो है अगर मतलब घट जाता है तो इनको पैसे ज्यादा मिलेगा।
तो इसके लिए इनके पास डेट तो होगा ही होगा, क्योंकि सारे पैसे तो वही लोन से आते हैं, खुद का पैसा कितना ही होगा, ठीक है, तो उनको ज्यादातर लोन लेना पड़ता है, तो इसके लिए डेट बहुत ज्यादा है। अगर आप डेट की बात करोगे उसको देख के आप इस वाले कंपनी में पैसे नहीं लगाओगे, मतलब आप तो गलती कर लोगे, ठीक है, क्योंकि ये डेट कभी कम नहीं होने वाले, ये डेट रहेगा और बढ़ेगा, ठीक है। पीई देख सकते हो भाई 31, मतलब 30 था वहां से 31.5 हो गया है आफ्टर मतलब आईपीओ लॉन्च होने के बाद। तो भाई ये था कंपनी डिटेल, अभी चलो रिस्क फैक्टर एंड इसका स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसका स्ट्रेंथ क्या है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस खुद को एक टॉप HFC के रूप में कन्वर्ट किया है पिछले कुछ सालों में ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफिटेबिलिटी एंड AUM एंड कॉम्प्रेहेंसिव रेंज ऑफ मॉर्गेज लोन की वजह से डिफरेंट कस्टमर, मतलब एक वाइड रेंज ऑफ कस्टमर को इन्होंने जो है अपने और अट्रैक्ट किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसको भी ये मॉर्गेज लेके लोन देता है, प्रोवाइड करता है, तो जिसके लिए बहुत ही ज्यादा लोग इनके तरफ अट्रैक्ट हैं ऑलरेडी। एंड इट्स ऑल्सो शोज द स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मैट्रिक्स इंक्लूडिंग हाई रिटर्न ऑन इक्विटी एंड एसेट एंड ऑल्सो इट शोज द रैपिड ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये बजाज ग्रुप का एक पार्ट है तो लोग इसके ऊपर पहले से ही ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये पहले से ही ट्रस्टेड कंपनी होंगे तो यहां पे ट्रस्टेबिलिटी आ जाती है, एक ब्रांडिंग हो जाती है इस वाले कंपनी का, ठीक है, तो इसके लिए और भी ज्यादा इनके बिजनेस में जो है फायदा होगा, साथ साथ कंपनी ग्रो होने में भी मदद करेगा। तो इतने सारे इसके प्रोस है, लेट्स गो टू द रिस्क वर कॉन्स क्या है इसके। सो कॉन्स बोले तो सबसे पहला थिंग होगा हाई अमाउंट ऑफ डेट। अब डेट कंपनी के ऊपर बहुत ही ज्यादा है, मैंने आपको दिखाया हुआ है, तो कंपनी पे अगर डेट है तो हो सकता है मतलब जिस तेजी से बढ़ना चाहिए उस तेजी से ना भी बढ़ पाए, क्योंकि डेट बहुत ज्यादा है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली यहां आप देखोगे नॉन कंप्लायंस विद RBI रिक्वायरमेंट्स कुड हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन बिजनेस एंड फाइनेंशियल कंडीशन। और एक चीज जो कि कंपनी का AUM ओनली 4 स्टेट बेस है और एक यूनियन टेरिटरी न्यू दिल्ली की बात कर रहा हूं, तो यहां पे ये जो है इतना ज्यादा वेस्ट नहीं है। सो अगला जो रिस्क है या फिर कौन सा कह सकते हो वो है कंपनी दो चीजों पे बेस्ड है, एक है आपके मतलब लोन लेके लोन प्रोवाइड करना एंड दूसरा थिंग है रियल एस्टेट का बिजनेस करता है, तो अगर लोन लेके कर रहा है इन केस जो है रिपो रेट बढ़ जाती है तो उस केस में जो है इनका बिजनेस थोड़ा सा डाउन हो सकता है, क्योंकि इनके पास बहुत ही ज्यादा डेट है कंपनी के ऊपर, बहुत ही भारी कर्जा है, ठीक। एंड सेकंड थिंग जो है कि अगर यहां पे रियल एस्टेट में कुछ ऐसा मतलब उबड़ खबड़ हो जाती है, अगर कुछ जो है डाउनफॉल आ जाती है, रिसेशन आ जाती है, तो उस केस में हो सकता है कि कंपनी का जो है बिजनेस थोड़ा सा डाउन हो सकता है। तो आपको ये सारी चीजें अपने आंखों पे रखना है एंड उसी के बाद जो है इसके IPO में अप्लाई करना है। तो फ्यूचर की बात करूं तो देखो इसका जो बिजनेस मॉडल है ये तो मतलब एक तरह से देखो इनका कंपटीटर बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी लोग तो आ करके बैठे हुए हैं लोन लेने के लिए। अगर कोई इतना मतलब अच्छी तरह से प्रोवाइड कर रहा है लोन तो इनका तो बिजनेस चलेगा ही चलेगा, फ्यूचरिस्टिक तो है ही है बिजनेस, ठीक है। एंड अब बात आती है कि हम इसको खरीदे नहीं खरीदे, इसको सब्सक्राइब करें नहीं करें। देखो मेरा मानना ये है कि जितना जिस वाले तेजी से यहां पे हाइप क्रिएट हो रहा है ना, अगर आपको IPO मिल जाती है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपको लिस्टिंग गेन श्योर से मिलेगा। एंड अगर इस साल का अगर आप देखोगे हो सकता मतलब आई थिंक जो है 45-46 के आसपास जो है IPO लॉन्चेस हुए हैं इस साल लिस्टेड हुए हैं, एंड उन सभी में से ऑलमोस्ट 40-41 IPOs तो लिस्टिंग गेन में ही मतलब लिस्टेड हुए हैं, 7 या फिर 8 जो है इस तरीके से कुछ जो है मतलब लॉसेस में लिस्टिंग हुए हैं, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि मेरी देखो कोई भी रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा, कि मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूं कि मेरे को ये IPO अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका बहुत ही ज्यादा हाइप है, साथ साथ ये ट्रस्टेड भी है, और साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो कि देखना बनता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इन सभी को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अप्लाई करना चाहिए, तो अगर मैं अप्लाई करता हूं जरूर से आपको नोटिफाई करूंगा, कल के डेट में करूंगा, प्री अप्लाई नहीं करूंगा। तो इस वाले वीडियो में इतना ही, जल्दी जाओ डिस्क्रिप्शन में शाम को ऐप स्टॉक का लिंक है, साइन अप करो, कोई क्वेरी हो सीधा इंस्टाग्राम पे पूछो, कुछ भी पूछ सकते हो, आपको किसी के ऊपर वीडियो चाहिए, कोई भी टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हो आप कमेंट में कर सकते हो। थैंक यू।